हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। अप्रैल 2019 से भारत सरकार ने देश में बेची जाने वाली सभी कार के लिए एयरबैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। जहां तक ऑटोमोबाइल की बात है, ये डिसीजन भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अमेरिका और यूरोप के देशों में 90 के दशक में ही एयरबैग को कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन भारत की तरह ही अमेरिका जैसे देशों को कार में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के तौर पर एयरबैग को समझने में थोड़ा सा समय लग गया। तो चलिए जानते हैं बिना समय बिगाड़े एयरबैग के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। इसका मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन और सेंसर की एक एरा से काम करता है, जो टकराव को महसूस करने के बाद मिलीसेकंड के भीतर ही एयरबैग को इन्फ्लेशन कर देता है, उसके प्रेशर को स्टार्ट कर देता है। एयरबैग का मैकेनिज्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक प्रॉपर टाइप के कोएलेशन के बाद ही एक्टिवेट होता है, उसके साथ ही राइट एंगल और राइट इंटेंसिटी के साथ ही एयरबैग एक्टिवेट होता है। हल्की टक्कर से एक्टिवेट नहीं होता है एयरबैग, तो इसीलिए बेकार में ट्राई मत करना। कारों में एयरबैग के यूज ने पिछले कुछ वर्षों में कार दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की संख्या में जबरदस्त गिरावट की है। ये तो आपने जाना कि एयरबैग का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है और एयरबैग इंसानों के लिए कितना फायदेमंद है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि एयरबैग की इन्वेंशन किसने किया। एयरबैग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर जिसने अमरीकी नौसेना में सेवा की थी, एक कार दुर्घटना का शिकार होता है जब वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ गाड़ी चला रहा था। उसका नाम है जॉन डब्ल्यू हेट्रिक। ये पहला बंदा था जिसे एयरबैग का इन्वेंट करने का आइडिया आया था। भले ही वो और उसका परिवार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट ने हेट्रिक को एक ऐसे डिवाइस की जरूरत महसूस करा दी जो एक्सीडेंट के सिचुएशन में गाड़ी को या गाड़ी में बैठे लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करे। इसलिए हेट्रिक ने अमेरिकी नौसेना में काम करने के इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए उन्होंने व्हीकल के लिए सेफ्टी कुशन असेंबल के प्रोटोटाइप को डेवलप किया। उनके डिजाइन में कंप्रेस हवा को में टेम्प से जुड़ा हुआ एक इन्फ्लेटेबल बैग होता था। ये बैग स्टेयरिंग व्हील के अंदर या डैशबोर्ड के बीच में या ग्लव्स बॉक्स के पास होता। डिजाइन में किसी भी इफेक्ट को महसूस करने के लिए एक स्प्रिंग सेटअप का उपयोग किया गया है, जो कंप्रेस हवा को टैंक में वाल्व्स के थ्रू एक्टिवेट करके हवा को बैग में छोड़ता है और उसे फुलाता है। हेट्रिक ने 1952 में यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस के पास अपना ये एयरबैग का पेटेंट को प्रेजेंट किया और 18 अगस्त 1953 तक तकरीबन एक साल के बाद उन्हें पेटेंट ये हासिल हो गया। लगभग इसी टाइम के दौरान जर्मन पेटेंट ऑफिस में भी एक सेम पेटेंट के लिए वाल्टर लिंडर फील्ड नाम के एक जर्मन इंजीनियर ने पेटेंट जारी किया। हेट्रिक और लिंडर के डिजाइन में बीच में एक ही डिफरेंस था। ये डिफरेंस था कि लिंडर के डिजाइन में आपको एयरबैग को मैन्युअली ड्राइवर को एक्टिवेट करना पड़ता था। हेट्रिक ने आगे के डेवलपमेंट के लिए कार कंपनियों के सामने अपना आइडिया रखा, लेकिन उन दिनों में गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था। इन्हीं सभी कुछ और रीजन की वजह से मिस्टर हेट्रिक और मिस्टर लिंडर का डिजाइन प्रोडक्शन यूनिट तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी वो दोनों इतिहास की किताब में एयरबैग के इन्वेंटर के तौर पर जाने जाएंगे। 1967 में एलन के ब्रेड नाम के एक अमरीकी इंजीनियर ने एयरबैग के क्रैश डिटेक्शन के लिए बॉल इन ट्यूब मैकेनिज्म बनाया। उनके सिस्टम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम सेंसर होता था और एक स्टील बॉल का इस्तेमाल होता था जो एक मैग्नेट की वजह से एक ट्यूब में जुड़ा होता था। ये पहली ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर अपनी गाड़ियों में फिट और यूज करना शुरू किया और इस एयरबैग सेक्टर की इसे शुरुआत माना जाता है। लेकिन फिर भी एयरबैग की बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन 90 के दशक तक भी नहीं शुरू हुई। एयरबैग टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशनरी बदलाव आने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने कारों में एयरबैग को इस्तेमाल करने का फैसला किया। जनरल मोटर और फोर्ड ने 70 के दशक में के दौरान ही अपनी कुछ टेस्ट कारों में एयरबैग को लगाना शुरू किया। जनरल मोटर ने 1973 में चेवी एम्पाला में एयरबैग से लेस कारों के साथ आने का फैसला किया। इस कार के 20 वर्षों के बाद भी इसे क्रैश टेस्ट में किया गया, तभी इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया। एयरबैग अभी भी काम कर रहे थे। इसके बाद सीट बेल्ट के ऑप्शन के तौर पर एयरबैग को देखा जाने लगा। एयरबैग के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि होमस्टेड की आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एयरबैग का पहला फैक्ट यह है कि दो एयरबैग लेस कारों के बीच पहली दुर्घटना 12 मार्च 1990 को दर्ज की गई थी, जिससे दोनों कारों में ड्राइवर एयरबैग एक्टिवेट हो गए थे।
इतनी हेवी एक्सीडेंट होने के बाद भी दोनों ड्राइवर को मामूली सी चोट आई थी। एयरबैग का दूसरा फैक्ट यह है कि एयरबैग को पूरी तरह से भरने में 25 से 50 मिली पर सेकेंड की आवश्यकता होती है। अगर इसका कंपेयर करें आप एक इंसान की पलक झपकाने की स्पीड से, तो ये आपको पता चलेगा कि लगभग एक इंसान को पलक झपकाने में मिनिमम 100 मिली सेकेंड का समय लगता है। तो आप समझ सकते हो कि ये एयरबैग कितनी फास्ट एक्टिवेट होता है। एयरबैग का तीसरा फैक्ट ये है कि एक एयरबैग को एक्टिव होने की मैक्सिमम स्पीड होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर है। एयरबैग का चौथा फैक्ट, 1973 में आई ओल्ड स्माइल टोर्नाडो दुनिया की पहली कार है जिसमें पैसेंजर एयरबैग को लगाया गया था। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में एयरबैग के इन्वेंशन से लेके एयरबैग के मैकेनिज्म तक की सारी जानकारी आपको मिली होगी। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।